गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि विजाग स्टील ने 233 मैनेजमेंट ट्रेनी और जूनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 233 पोस्ट निकाले हैं। रियली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएससी के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सही ढंग से मेरे बताए गए गाइडलाइन से प्रिपरेशन करेंगे तो आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसके डिटेल सिलेबस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन पे एम्फेसिस दिया जाता है, किस तरह से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके एग्जाम पैटर्न, ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये इंटरफेस है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें टोटल आपके जो हैं 200 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से सुनिए सारी बातों को, मैं आपको डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और आपकी जो टाइम लिमिट होगी वो 2 आवर एंड 30 मिनट्स होंगी। इस 2 आवर 30 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है जो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। मीन्स अभी तक विजाग स्ट्रीम ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप इन बातों को अभी तक मानिए कि इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात और है कि इसमें कोई सेक्शनल कटअप नहीं होगा, मीन्स ओवरऑल कटअप होगा, कोई सेक्शनल कटअप आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, इसमें ओवरऑल कटअप होगा। और बहुत जल्दी ही ये एग्जाम देने वाले हैं, वीजा की स्टेट बहुत जल्दी में है और आपको सबको पता है कि 17 मई से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करने में आप सभी को प्रॉब्लम हो। और 31 मई लास्ट डेट है, आप सबको बता दूं, और एग्जाम डेट भी इन्होंने फाइनलाइज्ड कर दिया है। आपका एग्जाम डेट जो होगा वो 25 जून को होगा और रिजल्ट भी इन्होंने बोल दिया है कि आपको 10 जुलाई के बाद रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। सो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, अभी डिटेल स्टडी का आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आपके पैटर्न बताता हूँ कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और किस तरह इसका सिलेबस है, क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या सेक्शन से, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो आप देखिएगा इसमें टोटल देयर 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपके इंक्लूड रहेंगे। सेकेंड जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपको मैं डिटेल भी बताऊंगा इन सब बारे में कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, पर मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्या क्या सेक्शन है लिस्ट में। फर्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल। सेकेंड देयर इज इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मेनली इम्फेसिस जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड डिस्टेंस, एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये जो एग्जाम होता है उसमें ये लोग ज्यादा से ज्यादा इंफेसिस टेक्निकल सेक्शन पे करते हैं, इसलिए आप लोग टेक्निकल सेक्शन पे ज्यादा जोर दीजिए एज कम्पेयर टू दैट रिमेनिंग पार्ट्स। ये मैं आप लोगों को एक हिंट बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि टेक्निकल सेक्शन में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, और जो सेक्शन है इसके हैं जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में ये लोग मेनली जो कवर करते हैं वो हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री में भी आपको मैं बता दूं मेनली अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आई थिंक मैक्सिमम हिस्ट्री के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और कुछ कुछ जो है कि कौन वायसराय है, कब था, ठीक है, कब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आता है, ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से जो है फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आएंगे, ठीक है, ज्यादा आपको एनालिटिक होने की जरूरत नहीं है। और इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि राज्यसभा कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा कितने मेंबर होते हैं, आपको प्रधानमंत्री को नॉमिनेट कौन करता है, राष्ट्रपति को नॉमिनेट कौन करता है, किसके कितने एज होते हैं, रिटायरमेंट एज कितने होते हैं, सैलरी कितनी होती है, मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी के होते हैं। और थोड़ा बहुत आप लोग इंडियन
इकोनॉमिक्स के पेपर ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे हैं करंट इवेंट। करंट इवेंट में आप लोग मेनली लास्ट सिक्स मंथ के करंट जो है या वन ईयर के मैक्सिमम इंफोसिस कीजिएगा, लास्ट सिक्स मंथ के आप करंट अफेयर्स जो है आप कवर कर लीजिए। उसमें मोस्ट ऑफ द सेक्शंस स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से अवार्ड्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है, किसको क्या अवार्ड मिला लास्ट में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, और नए नए इन्वेंशन जो हो रहे हैं, और मेनली जो स्कीम्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, कौन से मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मतलब डेली लाइफ के क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, आप लोग प्रीवियस सिक्स मंथ्स के जो भी हैं आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है बुक्स, तो मैं बताऊंगा कि इन हिस्ट्री के लिए और इस हिस्ट्री सेक्शन के लिए, ज्योग्राफी सेक्शन के लिए, इंडियन पॉलिटी सेक्शन के लिए ये जो लुसेंट की जो बुक आती है वो मोर देन सफिशियंट है। और करंट इवेंट्स के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं जो लास्ट सिक्स मंथ या वन ईयर कवर करता है, उसमें भी अरिहंत के जो मैगजीन्स आते हैं आई थिंक इट्स मोर देन सफिशियंट, जो कि वन ईयर का लास्ट वन ईयर का कवर किया हुआ है उसमें। ठीक है, आप वो ले सकते हैं। और ये जो सेक्शंस है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, इसके लिए मैं बता दूं आपको, अगर साकिर अहमद की एक बुक आती है, ठीक है, जिसमें कि बहुत अच्छे से ट्रिक्स दे रखा है कि आप अच्छे से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और नहीं तो आर एस अग्रवाल की बुक तो है ही बेस्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए, आर एस चांद की, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा आप इन सब को लेकर बदल मत होइए। मेनली आप जो है टेक्निकल सेक्शन को लेकर